करते हैं कौन कौन से वेरिएशन की वजह से। एक तो फॉर द पॉइंट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, फॉर द पॉइंट बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एट ए डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड फॉर ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला इन तीनों चीजों की वजह से काम पे आता है, काम में आता है बेसिकली, है ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे, है ना, ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना, ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। ना समझ में आ रहा है? ठीक है, तो प्लैनेट सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, है ना, नाउ वी विल स्टडी मोस्ट अबाउट, है ना, प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक्चुअली, है ना, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। प्लैनेट्स जो हैं वो उनका जो रोटेशन होता है ना अराउंड सन, है ना, दैट इज बेसिकली इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, है ना। प्लैनेट्स, है ना, बेसिकली रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ऐसे एलिप्स है ना। तो इसमें होता क्या है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करने की वजह से ये एलिप्स है ना। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट अर्थ रोटेट्स अराउंड और एनी प्लैनेट, प्लैनेट्स बेसिकली रोटेट अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो प्लैनेट्स का जो रोटेशन होता है अराउंड सन वो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में होता है, विद सन लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द एलिप्स। ठीक है ना, तो इसमें एलिप्स का ना दो एक्सिस होता है, एक होता है मेजर एक्सिस, एक होता है माइनर एक्सिस। ये मान लो माइनर एक्सिस है ना, और एक तो यहाँ पे है, ये मान लो उसका होगा मेजर एक्सिस। ठीक है ना, बेसिकली क्या होता है, अर्थ रोटेट्स अराउंड सन, है ना, और वी कैन से दैट प्लैनेट्स बेसिकली रोटेट अराउंड सन, है ना। जितने भी प्लैनेट्स हैं बेसिकली ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लैनेट्स है ना रिवॉल्व अराउंड सन, प्लैनेट्स का जो रिवॉल्यूशन होता है ना, उसका जो पाथ है ना वो एलिप्टिकल पाथ होता है, रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब जो पाथ है वो एलिप्स होता है। एलिप्टिकल ऑर्बिट्स समझ में आया ना? ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली होता है एलिप्स, ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है एलिप्स, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्स, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स अराउंड सन, ठीक है ना? तो सिंस दे रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स है ना, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एलिप्स में क्या होता है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में बहुत कम डिफरेंस होता है ना, सन इज लोकेटेड एट द फोकस ऑफ द एलिप्स, sun is located at one of the focus of ellipse, matlab ellipse has got two focus, one of the focus of ellipse, basically ellipse mein na do do focus hai, koi bhi ellipse mein basically do do focus hote hain, matlab f1 ek focus hai, f2 ek focus hai, hai na, any ellipse has got two focus, है ना? एनी एलिप्स ना, और एन एलिप्स हैज टू फोकस, फोकस मतलब प्लूरल फॉर्म को फोकाई बोलते हैं ना, तो बेसिकली एलिप्स के दो फोकस होते हैं, उसको फोकाई बोला जाता है ना, एलिप्स हैज टू फोकाई, समझ में आया ना? ठीक है, तो एलिप्स के फोकस तो दो होते हैं, है ना, एलिप्स हैज टू फोकाई, ठीक है ना, एलिप्स के फोकस होते हैं दो, ठीक है ना? अच्छा, क्योंकि एलिप्स के पास दो फोकस होते हैं, सिंस एलिप्स हैज गॉट टू फोकस, ठीक है ना, तो मान लो एलिप्स के ऊपर कोई भी पॉइंट में, है ना, आर्बिट्रेरली आई विल पिक अप एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स, आर्बिट्रेरली I'll pick up any point on the ellipse, ठीक है ना, on the boundary of the ellipse, उसके ऊपर अगर हम कोई भी point pick up कर ले, ठीक है ना, एलिप्स के ऊपर बेसिकली कोई भी पॉइंट हम पिकअप कर लें, ठीक है ना, सो फॉर एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स है ना, फोकस से जो डिस्टेंस होता है F1P और F2P दोनों का ऐड करेंगे तो कांस्टेंट होगा, ये एक प्रॉपर्टी एलिप्स का है ना, बेसिकली एलिप्स का एक प्रॉपर्टी ये है कि फोकस से कोई भी पॉइंट का दोनों फोकस से डिस्टेंस ले लो, डिस्टेंस करके ऐड कर लो, तो वो जो डिस्टेंस है वो कोई भी पॉइंट के लिए कांस्टेंट होगा, ऐसा कैलकुलेशन किसी पॉइंट के लिए भी लोगे तो वो होगा कांस्टेंट, समझ में आ रहा है? ये एक प्रॉपर्टी है एलिप्स का, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर, ठीक है, तो F1P plus F2P ये हो जाएगा constant, ठीक है ना? So basically क्या होता है, the difference in major and minor axis is not large, है ना? तो basically मतलब planets जिस elliptical orbits में है ना move करते हैं, तो उनके बीच में जो difference है, मतलब उनके जो major और minor axis के बीच में जो difference है, वो है ना उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, है ना? इसके लिए वो एलिप्टिकल पाथ को हम सर्कुलर पाथ भी मान सकते हैं, वी कैन अप्रोक्सीमेट है ना द एलिप्टिकल पाथ टू बी सर्कुलर पाथ, ठीक है ना? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, दैट पॉइंट ये है
समझ में आया ना बच्चों, पॉइंट ये है कि है ना बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन है ना मेजर एक्सेस एंड माइनर एक्सेस ऑफ द है ना ऑर्बिट्स है ना ऑफ प्लैनेट्स आर नॉट लार्ज. ना ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा नहीं है. मेजर एक्सिस प्लैनेट का जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है उसका जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है उनके बीच में जो डिफरेंस है कुछ मतलब इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है ना. ड्यू टू विच है ना द ऑर्बिट्स कैन बी ट्रीटेड एज सर्कुलर ऑर्बिट्स ड्यू टू विच दे कैन बी ट्रीटेड एज एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स. समझ में आया बच्चों? तो इसके वजह से ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम सर्कुलर ऑर्बिट्स मान सकते हैं. क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो नेक्स्ट है ऑर्बिटल स्पीड है ना. नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज ऑर्बिटल स्पीड. ऑर्बिटल स्पीड समझ में आया ना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्बिटल स्पीड. ठीक है बच्चों, है ना. ऑर्बिटल स्पीड के लिए लेट द मास ऑफ सन लेट द मास ऑफ सन बी एम. मास ऑफ सन को कैपिटल एम लेते हैं ना. एंड दैट ऑफ द प्लैनेट एंड दैट ऑफ द प्लैनेट मान लो जो प्लैनेट है उसका जो मास है एंड दैट ऑफ द प्लैनेट भी स्मॉल एम. ठीक है ना. सो बेसिकली मास ऑफ सन इज है ना वेरी लार्ज मेनी टाइम्स है ना. मास ऑफ द सन इज मेनी टाइम्स लार्जर इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द मास ऑफ द प्लैनेट. मास ऑफ द सन इज मेनी टाइम्स लार्जर देन द मास ऑफ द प्लैनेट है ना. समझ में आया? ठीक है. सो सन इज ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये सब डेरिवेशन लेने से पहले ना तो सन को हम क्या करते हैं ना वी ट्रीट इट एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब उसका कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है. सन इज ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. सन इज ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि है ना नॉन एक्सिलरेटेड है. सन जो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना दैट इज नॉन एक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है ना. तो सन इज बेसिकली बीइंग ट्रीटेड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है. सारे डेरिवेशन के लिए सन को हम क्या ट्रीट करते हैं है ना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रीट करते हैं. अब हमने जो ऑर्बिट है इसको माना क्या है.
हमने इस ऑर्बिट को क्या माना है यहाँ पे, सर्कुलर ऑर्बिट है ना, अभी एक्चुअली में एलिप्टिकल है, लेकिन क्योंकि सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, सर्कुलर सर्कुलर ऑर्बिट। हाँ, ऑर्बिट को हम मानते हैं सर्कुलर ऑर्बिट। बहुत टाइम लगा रहे हो तुम लोग आंसर देने में, इसका मतलब है समझ में नहीं आ रहा है। अरे बताओ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। हाँ सर। यस सर। सब लोगों को समझ में आ रहा है? तीन लोगों ने आंसर दिया, स्नेहश्री, शिखा, है ना। टोटल तो अभी 14 पार्टिसिपेंट्स हैं, सुमित, शिखा, सिफत, सबिता, प्रतिमा, पूजा, ना विपिन, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। मान लो ये रेडियस आर है इसका, ये ललितेंद्र तो नहीं कर रहा है क्लास, ऑनलाइन क्लास, मतलब वो क्या हुआ? सर मैं तो कभी नहीं देखा। हाँ, फोन खराब हो गया क्या वो उसका? एक बार खराब हो गया था फोन ना, है ना। तो वी मान लो अर्थ का, मतलब वो प्लैनेट का स्पीड है। सन का मास क्या है? सन का मास है कैपिटल एम। प्लैनेट का मास क्या है? प्लैनेट का मास है स्मॉल एम, है ना। द मास ऑफ सन इज कैपिटल एम, प्लैनेट मास इज स्मॉल एम। सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट? ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट G m1 m2 upon r square। सो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट क्या होगा? नेट ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स, है कि नहीं? ये स्नेहश्री कहाँ गई? स्नेहश्री है कि नहीं? और ज्योति कहाँ गई? आज बहुत इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है सर। एंट्रेंस एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आते हैं ना, आज हम वही सारा पॉइंट मैक्सिमम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स फॉर ए प्लैनेट, ठीक है ना बच्चों? इम्प्लाइज जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, एक नहीं? Yes, sir. Planet का net centripetal force कितना होगा? mv square by r, which is equal to gravitational force. मतलब gravitational force is equal to net centripetal force. Implies planet का net orbital speed क्या होगा? v is equal to under root of gm by r. ये हो गया orbital speed planet का। समझ में आया ना बच्चों? यस सर। हो गया प्लैनेट का ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है ना। मैक्सिमम और दो क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब थ्योरी खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम दो क्लास, कल परसों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे फील्ड और पोटेंशियल एनालिसिस और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये थोड़ा ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है तो इसमें टाइम लगता है, उसके बाद ये सब जो चीजें होती है ना, बाकी ये सब तो बहुत इजी चीजें हैं, ठीक है ना, कंपैरेटिवली इजी चीजें हैं ये सब, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन v इज इक्वल टू, है ना, अंडर रूट जी एम बाय आर। फिर टाइम पीरियड, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पेज? यस सर। यस सर। यस सर। हैंग हो गया, 7 पेज हो गया व्हाइट बोर्ड में। व्हाइट बोर्ड में 7 पेज मतलब बहुत बड़ा चीज होता है। ब्लैक बोर्ड, वही ब्लैक बोर्ड, इसका नाम तो व्हाइट बोर्ड है ना। अब मैं बैकग्राउंड में चेंज कर लेता हूँ, इसलिए ब्लैक बन गया, है ना। ये सब, ये जो बोर्ड बोर्ड है ना, पीपीटी, ये सब इसमें ज्यादा नहीं पढ़ा सकते यार, है ना। क्या होगा ना,
इसमें क्या होता है कि एक फिक्स है ना स्मॉल अमाउंट ऑफ फंडेड लिया जाता है, इसको घंटों तक है ना उसको डिस्क्राइब किया जाता है अट्रैक्ट करने के लिए बस। जब है ना सही में पढ़ाने जाओ ठीक है कोर्स खत्म करने के लिए, तो इसमें तो है ना ये क्या होगा ना धीरे धीरे जैसे पेज बढ़ता जाएगा ये हैंग होता जाएगा। सर वन नोट में पढ़ाइए। अरे वो और हैंग होता है उस वो स्क्रॉल होते जाएगा ना वो जल्दी लोड नहीं होता है। मैं पढ़ाया था ना मेरे पास पूरा वन नोट का नोट्स है ठीक है ना। ब्लैक वाला ही ज्यादा मजा आ रहा सर। किसमें? इसी में ज्यादा अच्छा लग रहा सर। इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? हाँ सर। इसमें विजुअलाइजेशन थोड़ा अच्छा होता है। सो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन और वन नोट में डायग्राम बनाने में बहुत टाइम जाता है बेटा ठीक है ना। टाइम इसमें हाथ में बनाना पड़ेगा क्या? इसमें हाथ में बनाना पड़ेगा मतलब जैसे लिख रहे हैं वैसे ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? टोटल सर्कमफेरेंस बाय ऑर्बिटल स्पीड है ना। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड। समझ में आया ना बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड ठीक है ना बच्चों? ठीक है। सो इंप्लाइज व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट क्या होगा? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड, वो क्या होगा? जी एम बाय अंडर रूट ऑफ आर है ना। इंप्लाइज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय अंडर रूट जी एम फोर इंटू आर टू द पावर 3 बाय 2 फोर इंटू आर टू द पावर 3 बाय 2 है ना बच्चों? सो टाइम पीरियड बेसिकली इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 बाय 2 है ना। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3 बाय 2 और स्क्वायर लेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये चीज जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम्स में बहुत बार पूछा जाता है, मतलब जो प्रॉब्लम्स पूछा जाता है ना बेसिकली इसके बेस्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं जिसमें इसका एप्लीकेशन भी होता है ठीक है ना बच्चों? डायरेक्ट इसी के बेसिस पे क्वेश्चन मिल गया था सर पिछला साल तो। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछा जाता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है ना रिपीटेडली ठीक है ना। समझ में आया ना बच्चों? यस सर। ना सो बेसिकली क्या है ये जो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब है ना दिस इज आल्सो केपलर्स थर्ड लॉ। ये पढ़ेंगे हम लोग केपलर्स लॉ भी पढ़ेंगे, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन ये पूरा लास्ट में पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी के बाद पढ़ेंगे इसको, शायद ये कल ही पढ़ लेंगे। मतलब मुझे लग रहा है ये कल सेकंड मीटिंग तक आ जाएगा ठीक है ना। तो ये है केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना, वो क्या बोला कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। बेसिकली यहाँ पे आर क्या होता है ना, आर जो हम मतलब सर्कल का जो रेडियस लेते हैं वो एलिप्स का है ना सेमी मेजर एक्सिस भी मान सकते हैं। अगर मान लो सर्कल मतलब एलिप्स के बराबर हुआ तो, अगर जो एलिप्टिकल पाथ है ना जिसमें कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है ना, और जिसको कि हम सर्कुलर पाथ मान सकते हैं, वहां पे रेडियस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्टिकल पाथ है ना। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन of revolution is directly proportional to, समझ में आ रहा है ना बच्चों? हाँ सर।
is directly proportional to the cube of semi major axis of the orbit. Clear? Thank you everyone. आज का क्लास ओवर, कल तक ग्रेविटेशन ओवर.